अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म। अब क्लास, अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनिलिड्स से बिलोंग करता है और इसके सारे के सारे जो उनसे मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड जो सी होती है, जैसे ये वर्म्स की बॉडी होती है, सेगमेंट्स बने होते हैं। अब क्लास, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। इनका जो इनकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो क्या करता है, वेस्ट से बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, वो हमारे पास क्या होता है, मेटानेफ्रीडियम होता है। अब क्या होता है, हमारे पास मेटानेफ्रीडियम इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और किस तरह प्रेजेंट होता है कि हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जो है प्रेजेंट होगा, यानी कि हर एक सेगमेंट में कितने मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे, दो। अब क्लास, ये मैंने कुछ सेगमेंट बनाए हैं, ये एक सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है। तो क्लास, हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, यानी कि मैंने एक ही मेटानेफ्रीडिया बना दिया, तो इसी तरह का एक मेटानेफ्रीडिया जो सा है, दो मेटानेफ्रीडिया जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक सेगमेंट में। ये मैंने एक मेटानेफ्रीडिया बनाया, इसी तरह का एक सेगमेंट में होगा और इसी तरह का एक सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। अब क्लास, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये हमारे पास एक मेटानेफ्रीडिया है और ये क्योंकि दो सेगमेंट्स में जा रहा है, और ये वाला जो है ये पिछले वाले जो सेगमेंट का मेटानेफ्रीडिया का थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आया हुआ है, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर कितने मेटानेफ्रीडिया हो गए हैं, दो मेटानेफ्रीडिया हो गए हैं। इसके अंदर भी जो सा ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये आगे बना होगा, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ प्रोसेस बताना है और मैं एक से ही बता सकती हूँ। तो ये जो है वो इसके अंदर आगे फर्दर बना होगा, तो यानी कि एक सेगमेंट के अंदर दो मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास, इस मेटानेफ्रीडिया जो मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल ओपनिंग देखें तो दो ओपनिंग होती है, एक ये ओपनिंग है और ये एक ओपनिंग है, जो एक इनर ओपनिंग है और एक आउटर ओपनिंग है। जो आउटर ओपनिंग होती है उसे हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं, जो इनर ओपनिंग होती है वो सिलिएटेड होती है। सिलिएटेड मीन उसके साथ सीलिया जो से हैं वो अटैच हुए होते हैं, ये सीलिया अटैच है, सीलिया मूवमेंट करवा रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं नेफ्रीडियो स्टोम बोलते हैं, ये नेफ्रीडियो पोर है और ये हमारे पास क्या है, नेफ्रीडियो स्टोम। अब क्लास, ये जो नेफ्रीडियो स्टोम है, ये इन्होंने कहा इमर्ज हुआ होता है किसके अंदर, सिलोमिक फ्लूड के अंदर। अब क्लास, सिलोमिक फ्लूड हमारे पास क्या होता है, ये इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिलोमेट्स बोलते हैं। सिलोमेट्स इस वजह से क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, एक स्पेशल कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिलोमिक कैविटी। ये जो कैविटी होती है इसके अंदर जो इसका जो फ्लूड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलोमिक फ्लूड। अब ये कैविटी जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम लोग सिलोमेट्स बोलते हैं। तो इनके अंदर भी कैविटी प्रेजेंट है और ये जो फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसे हम सिलोमिक फ्लूड कहते हैं, और सिलोमिक फ्लूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडियोस्टोम प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडियोस्टोम। अब क्लास, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया वो लिखा हुआ है कि इनके पास इनर सिलिएटेड ओपनिंग होती है जिसके, यानी कि इनर ओपनिंग के साथ सीलिया अटैच हुआ होता है, और एक आउटर ओपनिंग होती है। जो इनर ओपनिंग होती है सीलिया जिसके साथ अटैच होता है उसे हम नेफ्रीडियोस्टोम बोलते हैं, और वो किसके अंदर इमर्ज हुआ होता है, सिलोमिक फ्लूड के अंदर। इनके पास कोई भी प्लेन एरिया की तरह फ्लेम सेल प्रेजेंट नहीं होते, इनको सिलोमेट्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सिलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, और जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूड प्रेजेंट होता है। और जो फ्लैटवर्म हम पीछे पढ़ के आए हैं उनके अंदर सिलोमिक फ्लूड नहीं प्रेजेंट था, उनके फ्लूड को हम लोग इंटरस्टिचुअल फ्लूड बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो सिलोमिक फ्लूड कहां से आएगा। इंटरस्टिचुअल फ्लूड हमारे पास वो होता है जो स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लास, हम लोगों ने ये डायग्राम जो है वो खुद ड्रॉ करनी है, यहाँ से ही देख के ड्रॉ कर लेना क्योंकि बुक के ऊपर थोड़ी टफ दी हुई है। अब हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोसेस देख लेते हैं सारा, इसमें होता क्या है। अब सीलिया की मूवमेंट की वजह से सिलोमिक फ्लूड के अंदर जितना भी वेस्ट है वो सारा इकट्ठा होकर किसके अंदर जाएगा, नेफ्रीडियोस्टोम के अंदर एंटर होगा। नेफ्रीडियोस्टोम से वो एंटर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्लास ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हम इसे क्यों कहते हैं वो उसकी रीज़न मैं अभी बताती हूँ। इसके ऊपर जो सा है वो क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज जो सी होती हैं वो फोल्ड हुई होती है। अब होता क्या है कि ये फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कैपिलरी की लेयर बनाई है, और नीचे जो उनसे वो किसकी लेयर है, ट्यूब की लेयर है। तो ट्यूब्स क्या करती हैं, जब इसके अंदर से वेस्ट जा रहा होता है ट्यूब्स के अंदर से, तो ट्यूब्स क्या करती हैं, उस वेस्ट के अंदर से जो बेनिफिशियल सॉल्ट और वाटर होते हैं उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब करती हैं, और दोबारा किसके अंदर डिफ्यूज़ कर देती हैं, कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ कर देती हैं, यानी कि यहाँ से वो कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे।
अब क्लास क्या होगा, ये जो एसेंशियल सॉल्ट और वाटर होगा ये यहाँ से ब्लड के अंदर दोबारा एंटर हो जाएगा, और आगे जो हमारे पास वेस्ट होगा वो आगे जाएगा ब्लेडर के अंदर, और ब्लेडर से नेफ्रिडियो पोर के जरिए बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी यही बताया कि बेनिफिशियल सॉल्ट और वाटर जो हैं वो रीअब्सॉर्ब्ड होंगे और दोबारा ब्लड में एंटर हो जाएंगे, और जो वाटर है वो वाटर है ब्लड में एंटर हो जाएगा, उसके बाद वेस्ट जो सा है। अब उन्होंने कहा कि वेस्ट क्लास कंसनट्रेटेड इससे प्रोड्यूस हो रहा है। कंसनट्रेटेड क्यों? क्योंकि क्लास वाटर जो सा है वो हमारे पास बाहर निकल गया। अब वाटर बाहर निकल गया तो वेस्ट के अंदर पानी की अमाउंट क्या हो गई है, कम हो गई है, और सॉल्ट की अमाउंट क्या हो गई है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह उनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई है ऑटोमेटिकली। तो ये वेस्ट जो सा है वो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, कंसनट्रेटेड वेस्ट है। इस वजह से इन्होंने लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड जो सा वेस्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, और वेस्ट जोन्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा नेफ्रिडियो पोर से। तो ये हमारा पूरा सिस्टम था। सबसे पहले क्लास इसके जो से एक्सट्रीटी सिस्टम के पार्ट सारे क्लियर करने हैं, डायग्राम बनानी है, प्रोसेस लिखते हैं। अब क्लास कुछ क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। एक है राइट आ नोट ऑन एक्सट्रीटी सिस्टम ऑफ अर्थफॉर्म, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। राइट आ डिटेल नोट ऑन एक्सट्रीटी सिस्टम ऑफ अर्थफॉर्म एंड फ्लैटवर्म्स, जो हम लोगों ने कल टॉपिक में देखा था। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम। तो मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंसेस जो उनसे इसके मेंशन कर दिए हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम एक्सट्रीटी सिस्टम प्लेन एरिया का होता है, जबकि एक्सट्रीटी सिस्टम अर्थवॉर्म का होता है मेटानेफ्रीडियम। नंबर टू, ये इसका जो सारा सिस्टम है वो थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड किया होता है, जबकि इसका क्या होता है कि पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, जबकि मेटानेफ्रीडियम के पास इंटरनल ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रीडियो स्टोम बोलते हैं। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है नेफ्रीडियो स्टोम का या नेफ्रीडियो स्टोम या नेफ्रीडियम, इसका जो इसका फंक्शन जो सा है वो पेपर में आता है। एक तो ये इंटरनल ओपनिंग होती है मेटानेफ्रीडियम की, ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, और इट कलेक्ट वेस्ट मटीरियल फ्रॉम ब्लड, ब्लड नहीं सॉरी सिलोमिक फ्लूड आएगा यहाँ पे, कि ये सिलोमिक फ्लूड से क्या करता है, वेस्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास टॉपिक शुरू हो रहा है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब क्लास कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, एरिथ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो क्लास होती है वो होता है इंसेक्टा। वैसे चैप्टर वन में वो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये फाइलम और क्लास वगैरह, लेकिन हो सकता है स्मार्ट सिलेबस में वो टॉपिक मिस हो गया हो। अब हमारे पास नेक्स्ट होते हैं इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ये एक्सक्रीशन करते हैं, उसे हम कहते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल। ये एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल जो उनसे होते हैं। अब इन्होंने कहा ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल यानी कि वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, वो एरिथ्रोपोड जो लैंड पे रहते हैं यानी कि वो इंसेक्ट जो लैंड पे रहते हैं, वो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास टाइम के साथ साथ उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो ये हमारे पास होते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल होते हैं। अब क्लास ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैंने हाइंड गट शो मिड गट सॉरी शो किया, और नीचे हाइंड गट है, मिड गट के बाद यहाँ पे जो क्लास में ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इन्हें हम मालपिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। नीचे हमारे पास रेक्टम है और ये वो ओपनिंग जिससे वेस्ट बाहर मूव करेंगे। अब क्लास इसके अंदर जो ये बाहर हमें नज़र आ रहा है ये हेमोलिम्फ है। अब ब्लड की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है हेमोग्लोबिन होता है, ब्लड की टू नहीं फोर टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे तुम आप लोगों की क्लास में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है, एक हेमोग्लोबिन होता है और एक हमारे पास क्या होता है हेमोलिम्फ होता है। जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो हेमोग्लोबिन है और वो रेड कलर का होता है, जबकि जो हेमोलिम्फ होता है वो कॉकरोचेस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का होता है। अब इन्होंने कहा है कि इंसेक्ट की बॉडी ने क्या किया था, एक स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया था, जिसके ज़रिए हेमोलिम्फ जो कि सिनियोसिस यानी कि बॉडी की स्पेसिस के अंदर यानी कि टिश्यू के आसपास जो एरिया होता है उसके अंदर हेमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, जैसे ब्लड प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है कि ये उन स्पेसिस में से हेमोलिम्फ के अंदर जितना भी वेस्ट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको निकालते हैं, किसके ज़रिए, सस्पेंडेड टर्बुलर स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि सस्पेंडेड ये ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसके ज़रिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब क्लास ये मालपिगियन ट्यूब्यूल की डेफिनेशन लिखी हुई है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये वेस्ट को रिमूव करते हैं फ्रॉम सिनियोसिस यानी कि स्पेसिस के अंदर से, ये होता है टिश्यू के आसपास जो स्पेसिस हैं उनसे। अब क्लास इन्होंने कहा सिर्फ यही हमारे पास ऐसा एक एनिमल का किंगडम है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ
एक्सक्रीटरी सिस्टम भी साथ जो है वो अटैच है, यानी कि हाइंड गट और मिड गट जो है वो डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है वो एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। बाकी जितने भी हैं उनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट है और हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सेम सिम्यूटेनियसली प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास होगा कि इसका आंसर है इन कॉकरोचेज यानी कि एरिथ्रोपोड्स के अंदर। अब हमारे पास हम लोग क्लास इसका एक्सक्रीटिव प्रोसेस सारा का सारा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले इन ट्यूब्स का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब क्लास ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इनको हम क्या कहते हैं, एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल। एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल होता है और अंदर जो खाली एम्प्टी स्पेस होती है उसे हम ल्यूमन बोलते हैं। अब क्लास क्या होता है, जो हेमोलिम्फ से सारा का सारा सॉल्ट और वेस्ट होता है वो कहाँ पे एंटर होता है, इन ट्यूब्यूल मालपिगियन ट्यूब्यूल जो सी होती हैं उनकी ट्यूब्स के अंदर एंटर हो जाता है। यहाँ ये हेमोलिम्फ से ट्यूब्स के अंदर एंटर हो जाएगा, ट्यूब से क्लास ये नीचे किसके अंदर एंटर होगा, हाइंड गट के अंदर, एंड देन रेक्टम के अंदर एंटर होगा। अब क्लास रेक्टम जोन सा है वो कॉकरोचेज के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, जो वाटर जोन सा होता है वो रिमूव करवाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर से, जो वाटर होता है उसको क्या करता है, उसकी रीअब्सॉर्प्शन करता है और वापस हेमोलिम्फ को देता है। इस वजह से क्लास इनके अंदर कॉकरोचेज के अंदर बर्ड्स के अंदर इनके अंदर जो जो वेस्ट होता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है। तो क्लास यहाँ पे भी ये लिखा है, सॉल्ट और वाटर हेमोलिम्फ से ट्यूब्यूल के अंदर एंटर होंगे, ट्यूब्यूल से वो किसके अंदर एंटर होंगे, ल्यूमन से, ल्यूमन के अंदर से हाइंड गट के अंदर, हाइंड गट से रेक्टम के अंदर, रेक्टम के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और दोबारा हेमोलिम्फ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वाटर दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इस वजह से जो वेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, यानी कि कंसनट्रेटेड होगा क्योंकि पानी उसमें से निकल चुका है। अब क्लास उन्होंने कहा ये सिस्टम ज़्यादातर उन एनिमल्स के अंदर होता है जिसके जिनके पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, तो ये सेपरेट हेडिंग बनानी है अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस की, क्योंकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो इन्होंने कहा है वो एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्स्ट्रा ऑफ पानी, अगर बहुत ज़्यादा हो तो अमोनिया, कम मॉडरेट हो तो यूरिया, बहुत ज़्यादा कम हो तो यूरिक एसिड। तो इन्होंने अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो सा है इसमें, क्योंकि उन एनिमल्स के अंदर यूरिक एसिड जो सा है वो सिक्रीट होता है जिनके अंदर क्या होता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। तो जब ये प्रोसेस लिखना है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कॉकरोचेस के बारे में मालपिगियन ट्यूब्यूल की हेडिंग देनी है और ये लिखना है, डायाग्राम बनानी है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी बना लेनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएट विद डाइजेस्टिव ट्रैक, उसमें ये लिखना है, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोसेस सारा लिखना है, उसके बाद एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस लिखना है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब क्लास ये जो टॉपिक है इसके अंदर सिर्फ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डेट की बात हो रही है, कॉर्डेट वो होते हैं जिनके पास क्या होती है नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड जो होती है ये पहले कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, जबकि नोटोकॉर्ड टाइम के साथ साथ कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब इन्होंने कहा है कि टू टाइप्स के कॉर्डेट्स होते हैं, वो जिनके अंदर पूरी लाइफ जो है उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और कुछ वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो हाफ लाइफ के बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको, उन उन ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब नोटोकॉर्ड जो सा है ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, किंगडम एनिमल एनिमेलिया वाले चैप्टर में हमने ये क्लियर किया हुआ है। अब क्लास ये जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो सा है वो सेगमेंटली अरेंज होता है, बिल्कुल वैसे ही क्लास जैसे हमने भी अर्थवॉर्म में देखा है कि सेगमेंट्स बने होते हैं और उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लास ये कहा जाता है कि सेगमेंटली अरेंज जो सा सिस्टम होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। अगर पूरी बॉडी जो सी है उसके लिए एक ही सिस्टम काम कर रहा हो तो ज़्यादा अच्छी तरह काम होता है, बजाय इसके कि पूरी बॉडी के लिए हर सेगमेंट हर हिस्से में अलग अलग काम हो रहा हो तो क्या होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट काम नहीं हो रहा होता। जैसे क्लास हमने देखा अगर ग्रुपिंग में काम किया जाए टीम वर्क करके तो ज़्यादा अच्छी तरह काम हो सकता है। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैग फिशेज़ की बात की जा रही है, इसमें सेकंड हेडिंग हैग फिशेज़ के बारे में इन्होंने कहा ये प्रीमिटिव वर्टिब्रेट है, यानी कि सबसे पुराने वर्टिब्रेट है, हमें पता है सबसे पुराने वर्टिब्रेट जो से हैं वो फिशेज़ थे, उसके बाद फिशेज़ के अंदर क्या हुआ और फिशेज़ के अंदर जो सबसे पुरानी क्लास है वो हैग फिश है। हैग फिश जो सी है वो क्लास बिल्कुल ऐसे सांप की तरह होती है, बहुत लंबी होती है लेकिन होती फिश है,
उसके पीछे टेल होती है, आगे जो उनसे वो फिश की तरह का माउथ बना होता है, लेकिन क्या होता है सिर्फ उनकी बॉडी ना स्नेक की तरह लॉन्ग होती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इनके पास क्या होती है, किडनी होती है, वो किडनी जो उनसी होती है वो सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर, यानी कि क्लास किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं वो सेगमेंटली अरेंज होती हैं। किडनी तो एक ही होती है लेकिन उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो हर सेगमेंट में अरेंज हुई होती हैं। बाद में क्या हुआ क्लास, कंट्रास्टिंग डिवेलपमेंट टू प्रोवाइडेड इन एवोल्यूशन इन अदर वर्टिब्रेट। बाद में क्या हुआ क्लास, कुछ डिवेलपमेंट्स जो सी हैं दूसरे एवोल्यूशन के साथ साथ, यानी कि टाइम के गुजरते गुजरते जो चेंजेस आई दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर कंट्रास्टिंग, यानी कि इससे बिल्कुल अपोजिट काम हुआ। हुआ क्या, ये सेपरेट हेडिंग बनानी है। अब हुआ क्या, सबसे पहले किडनी तो बनी थी लेकिन हुआ कि किडनी के अंदर जो सी है वो न्यूमरस ट्यूब्यूल जो सी है बनी थी, जबकि इसके अंदर क्या था, किडनी के बाहर हर सेगमेंट में ट्यूब्यूल्स थी लेकिन इस यहाँ पे किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स थी, जबकि सेगमेंटली अरेंज नहीं थी, एक ही ट्यूब थी और उसके अंदर जो सी है वो एक ही किडनी थी, उसके अंदर ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी और वो किसके साथ एसोसिएट थी, कैपिलरीज के साथ। अब क्लास ये हमारा टॉपिक है जो उनसे, इसके अंदर सिर्फ इतना बताना है, सबसे पहले हमने बताना है उसके बारे में, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, कॉर्डेट्स के बारे में, उसके बाद इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के बाद हैगफिश के बारे में बताना है और कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट इन अदर वर्टिब्रेट, ये हेडिंग देनी है और ये बात बस लिख देनी है। और सबसे क्लास वो हाईली कॉम्प्लेक्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ह्यूमंस के अंदर होता है, हम लोग वो देख लेते हैं। अब क्लास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने थोड़ा इंट्रो लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कंसीडरिंग केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को अगर हम लोग कंसीडर करें एंड सस्टेनेबिलिटी ऑन मेंटेनिंग मेटाबॉलिक पाथवे, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है मेंटेन करना, एंड मेंटेनिंग ऑन मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो क्लास अगर हम लोग लाइफ को देखें और लाइफ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करने होते हैं, और क्लास उन केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब क्लास पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये बताना है, ये डेफिनेशन लिखी है, जनरेशन ऑफ वेस्ट एट मेटाबॉलिक लेवल। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होते हुए टूटना। तो जब भी कोई भी चीज़, जैसे फूड हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, वाइटामिन प्रोटीन निकलती है, तो उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म होता है, फूड टूटता है, तो उसके साथ साथ वेस्ट भी जो है वो बनता है, जनरेट होता है, उस वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब क्लास कौन कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन और बिलीरोबिन और टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब देख लेते हैं ये वेस्ट किन किन चीज़ों के मेटाबॉलिज्म से, यानी कि टूटने की वजह से प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले अमाइनो एसिड जब भी टूटता है यूरिया प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लिक एसिड जब भी ब्रेक करता है यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और एक है मसल केरेटीन। अब क्लास मसल केरेटीन हमारे पास क्या होता है, मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है जिससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो उनसे वो ना हो रही हो, बहुत या उसका लेवल लो हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो इनके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लोग केराटीन फॉस्फेट बोलते हैं। केराटीन फॉस्फेट क्या करता है, अपना फॉस्फेट जो सा है वो एडीपी को देता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एटीपी को, यानी कि ये एनर्जी देता है। तो क्लास ये बात याद रखनी है कि जो एनर्जी देता है वो केराटीन है, और जो वेस्ट मटेरियल इससे प्रोड्यूस होगा वो केराटिनाइन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जब भी हेमोग्लोबिन ब्रेक करता है तो हमारे पास बिलीरोबिन बनता है। उसके बाद क्लास बॉडी के अंदर कभी भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है या बाहर से ड्रग ली जाती है या कोई भी स्प्रे वगैरह होता है तो उसको इनहेल किया जाता है, तो उसके नतीजे में टॉक्सिन्स जो से हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं और इनको बॉडी से हमने क्या करना होता है, एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, स्किन एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो क्लास कभी भी जो स्किन होती है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पे बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कि वो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होती, क्योंकि क्लास हम ये बात याद रखनी है, एक्सक्रीशन के अंदर बाहर क्या चीज़ें निकल रही होती हैं, जो क्या होता है, वेस्ट होता है, यानी कि क्लास हमारी बॉडी बॉडी का उसके ऊपर कोई वो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें होती हैं, उनका हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, और वो सिर्फ बॉडी से बाहर निकल रही होती हैं, हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता उनके बाहर निकलने से भी।
यानी कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में, इसलिए वो बाहर निकल रही होती हैं। उनके बाहर निकलने से हमें कोई बॉडी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता। जबकि क्लास जो स्किन होती है, स्किन दो चीज़ें रिलीज करती है, स्वेटिंग के अंदर वाटर और सीबम। सीबम यानी कि ऑयल सेक्रीट हो रहा होता है, वाटर रिमूव होता है, वो वेस्ट एज अ कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उससे क्या होता है, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी कि वो थर्मोरेगुलेशन कर रहा होता है वो वाटर जो सा है। जबकि जो सीबम रिलीज होता है उसको भी वेस्ट नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को क्या कर रही होती है, बचा रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों का वो वेस्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिलीज होती हैं कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। बॉडी को इनसे क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। इस वजह से स्किन को एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि ये क्या होता है, ये बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।